करेले की सब्जी ऐसे कोई खाना भले ही ना पसंद करे, लेकिन करेले की भरवा सब्जी हर कोई खाना पसंद करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आज तक आपने करेले की मसाले वाली सब्जी खाई होगी और बहुत ही ज्यादा तेल वाली, लेकिन आज जो हम करेले की सब्जी बनाएंगे वो बिना मसाले की बनेगी और बहुत ही कम तेल में, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही अच्छा सा सौंधावन। तो चलिए बनाते हैं ये लाजवाब सी करेले की सब्जी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। करेले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो आधी कटोरी सफेद तिल लिया है, आधी कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। ये मूंगफली के दाने हमें भूनने हैं और सफेद तिल को भी भूनना है, और आधी कटोरी के करीब बेसन लिया है। तो इन तीनों चीजों को लो फ्लेम पर भूनेंगे। सबसे पहले हम सफेद तिल भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और इसे फटाफट से चलाते हुए हल्का सा सुनहरा सुनहरा सा भून लेंगे। जलनी नहीं चाहिए और लो फ्लेम पर भूनेंगे तो अच्छा सा सौंधापन आएगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तिल भून जाए तो इसे एक बाउल में निकालें और ठंडा होने दें। इसी तरीके से मूंगफली भी भून लेंगे, इसे भी लो फ्लेम पर ही भूनना है ताकि मूंगफली में भी अच्छा सा सौंधापन, मूंगफली भी हल्की हल्की सुनहरी हो जाए, इसमें अच्छा सा सौंधापन आ जाए, तो इसे भी निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, फिर इसमें हम बेसन डालकर इसे भी फटाफट से चलाते हुए भून लेंगे। कढ़ाई बहुत ही गर्म है तो गैस को बंद करने के बाद ही बेसन भूने, नहीं तो ये जल जाएगा। इसे भी हल्का सा सुनहरा होने तक, अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेना है। ये हल्का हल्का सा सुनहरा हो गया है तो बेसन को भी निकाल लेते हैं। तीनों ही चीजें ठंडी कर लेंगे। जब ये तीनों चीजें ठंडी हो जाए मूंगफली का छिलका हटा देंगे, इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ में सफेद तिल भी डाल देंगे। अब इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। मूंगफली और तिल पीस जाए तब इसी में बेसन भी डाल देंगे। एक चम्मच या दो चम्मच सरसों का तेल डालें, आधा नींबू का जूस डालें, नमक स्वादानुसार डालें, इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल लें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ये स्टफिंग ऐसे ही डाल सकते हैं, और अगर लहसुन खाना पसंद है तो थोड़ी सी लहसुन और मिर्ची को दरदरा करके इसको डालें और इसे भी अच्छे से मिला लें। बस इतनी ही चीजें हमें डालनी है, इसमें कोई मसाला नहीं यूज करना है। फिर भी ये करेला बनता है लाजवाब, जो मसाले वाला करेला आप खाते हैं उससे कहीं ज्यादा टेस्टी। तो अब हमें लेना है करेला, ताजा ताजा सा करेला लेना है, इसे धुल लेना है, पानी पूरी तरीके से सुखा लेना है, ऊपर नीचे की डंडियां कट करके अलग कर दे, इसे ऐसे खुरच कर छील लें। हल्का हल्का सा खुरचना है, बहुत ज्यादा इसे खुरचना भी नहीं है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसका छिलका बिल्कुल भी ना हटाए, फिर भी ये टेस्टी बनता है। लेकिन अगर आपको पसंद हो उस तरीके से, तो अगर आपको छिलका नहीं पसंद है तो इस तरीके से खुरच कर छिलका हटा दें और इसको बीच से कट करके फाड़ लें। अब इसमें स्टफिंग डालना है। स्टफिंग दबा दबा कर अच्छे से डालें ताकि ये भरा भरा सा करेला खाने में ज्यादा टेस्टी लगे। सारा करेला इसी तरीके से भरकर तैयार कर लेंगे। आपको जितने ज्यादा लोगों के लिए ये भरवा करेला बनाना हो उतना ज्यादा करेला भरकर तैयार कर लें। ये करेला तो हमने भरकर तैयार कर लिया है, अब इसको फटाफट से फ्राई भी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब तेल और इसमें ये करेला डाल देंगे। गैस के फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि टेस्ट बैलेंस रहे, नहीं तो नमक कम लगेगा। तो ऐसा हल्का सा नमक हमने ऊपर से छिड़क दिया है। अब इसको ढक देते हैं और थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। जब करेला अच्छे से पक जाएगा तब इसको हम खुला ही भूनेंगे। तो अभी इसे ढक कर बीच बीच में चलाते हुए सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ये करेले की सब्जी बहुत ही सौंधी सौंधी सी बने तो इसे लो और मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे, तो इसका टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं करेला हल्का हल्का सा सुनहरा हो गया है। अब इसे खुला करके थोड़ी देर भून लें ताकि ये एक बराबर से सुनहरा हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये लाजवाब सा करेला तो बन करके तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। इसे रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है ये लाजवाब सा करेला। अगर आपने एक बार बनाकर खाया ना तो यकीन मानिए आप करेले की सब्जी हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ना तो इसमें हमें प्याज डालने की जरूरत है और ना ही मसाले। बिना मसाले की इतनी लाजवाब करेले की सब्जी तो आज तक आपने खाई नहीं होगी। तो एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और ये करेले की सब्जी आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे अगर एक बार इसे खाएंगे, तो फटाफट से बनाइए, खाइए। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एकदम नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।